राज्यों में जीत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया जनता का आभार, कहा जनता के साथ देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष की है ये जीत। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने नायक समाज के साथ मनाई होली मिलन समारोह, कहा नायक समाज का समाज उत्थान में है अहम भूमिका। ग्राहक सेवा केंद्र से जुड़े लगभग 5 दर्जन से भी ज्यादा लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, बैंक द्वारा रातों रात सभी ग्राहक सेवा बंद किए जाने का लगाया आरोप। 6 और 7 मार्च को जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट करेंगे अपने बूथ का निरीक्षण। पुलिस लाइन में जिला प्रशासन और पुलिस कर्मियों ने जमकर खेली होली, उड़ाए अबीर गुलाल। लोकसभा उपचुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप द्वारा आयोजित होगा रन फॉर वोट और नौकायन कार्यक्रम। लोकसभा उपचुनाव में बाहर से आने वाले केंद्रीय अर्धसैनिक और नागरिक पुलिस के ठहरने के लिए 65 स्कूलों का किया गया अधिग्रहण, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन के बाद भाजपाइयों में खुशी की लहर, दी बधाइयां। सुर्खियों में है लोकसभा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल के बीमार होने की खबर, सोमवार तक पीजीआई से लौट आने की जताई जा रही है संभावना। वाणिज्य संकाय में चल रहा है ईवीएम का वीवीपैट के साथ जोड़ने का काम, एआरओ कर रहे हैं परीक्षण। 4 मार्च को आयोजित होगा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की बैठक और होली मिलन समारोह, आरक्षण की व्यवस्था पर होगी चर्चा। और गोरखपुर वेटरन की देवरिया पर 10 रनों से रोमांचक जीत और देवरिया यूथ की गोरखपुर पर 7 विकेटों से धमाकेदार जीत।